Good morning students, how are you all? I hope you all are happy, healthy and enjoy at your home. Today we will going to start a new chapter that belongs to EBS chapter 6, Riya's journey. Okay, Riya's journey yani Riya ki journey. Journey hum kise kehte hain? Jahan hum kahin ja rahe hote hain, travel kar rahe hote hain, kisi dusri jagah jaate hain, to use kehte hain yatra karna, journey. Okay, to journey. Ab journey jahan baat, journey ki jahan baat aa rahi hai, to hum dekhte hain ki hum किस चीज़ से हम जा रहे हैं. कई लोग बस से जाते हैं, कई लोग ट्रेन से जाते हैं, कई लोग बोट जो नाव में नदी में चलती है उससे जाते हैं. तो फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होगा? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. क्योंकि ट्रांसपोर्ट के अलावा, ट्रांसपोर्ट के बिना हम जर्नी नहीं कर सकते. ठीक है, तो फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट. सेकेंड है वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड द थर्ड इज, बताओ, लैंड हो गया, वाटर हो गया और एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, दैट इज थ्री ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. अब कई लोग लैंड ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, कई वाटर ट्रांसपोर्ट से जाते हैं और कई एयर ट्रांसपोर्ट से जाते हैं. अब लैंड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से व्हीकल्स आते हैं? लैंड यानी जमीन, जो जमीन पे चलते हैं. ओके, जैसे कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा. ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट यानी जो पानी में चलते हैं. एग्जाम्पल बोट, शिप एक्सेट्रा, स्टीमर जो होती है जो पानी में चलते हैं. नाउ द थर्ड इज एयर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट यानी जो हवा में चलते हैं. ओके, कौन कौन चलते हैं? एयरप्लेन एंड हेलीकॉप्टर. ठीक है, आपको समझ में आया? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. हमें नॉर्मली जब एक्चुअल देखा जाए, अगर नॉर्मली हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं तो कई लोग वाटर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर लेते हैं, कई लोग लैंड ट्रांसपोर्ट यानी जैसे ट्रेन है, बसेस है, वो यूज़ करते हैं. अगर थोड़ा और ज़्यादा डिस्टेंस होता है तो हम लोग वाटर ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं. और कम वक्त में हमें कहीं लॉन्ग टाइम पे जाना हो, दूर जाना हो और हमारा टाइम बचे, उसके लिए हम लोग एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं. ओके, तो इसमें क्या होता है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट में डिफरेंस है, लेकिन बात एक ही होती है कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाते हैं. तो इस चैप्टर में क्या है, रिया और जिया दो फ्रेंड्स होती हैं, वो लोग घूमने जा रहे होते हैं. इसमें रिया जो होती है अपने अंकल के घर जाती है और जिया जो होती है वो हॉलीडेज पे जाती है अपनी फैमिली के साथ में. ओके, अब ये लोग जाते हैं सेम डेट पर. रिया एंड हर फ्रेंड जिया वर वेरी एक्साइटेड, दे आर गोइंग टू फॉर अ ट्रिप ऑन अ ट्रेन टू वापी. अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं? वापी. ठीक है, रिया वॉज गोइंग टू हर अंकल्स हाउस एंड जिया वॉज गोइंग टू दमन विथ हर फैमिली फॉर अ हॉलीडे. जो रिया है वो अपने अंकल के घर पर जा रही है और जिया जो है वो दमन अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे छुट्टियों पर जा रही है. हॉलीडे मतलब छुट्टियाँ में हम लोग घूमने जाते हैं ना वैसे. एज बॉथ द फैमिलीज डिसाइड टू टुगेदर, रियाज फादर हैड बुक ट्रेन टिकट फॉर द बोथ फैमिलीज फॉर 15 डेज. अब क्या हुआ, जब जब दोनों ही साथ जा रहे हैं तो फैमिली ने डिसाइड किया कि रिया के फादर ने ट्रेन के टिकट्स बुक करवाई है. कितने दिन पहले? 15 डेज पहले. ओके, जस्ट 2 डेज बिफोर द जर्नी जिया वॉज इल. अब जाने का दिन आ गया, 2 दिन बचे थे जाने के अंदर, तो 2 दिन पहले जिया बीमार पड़ गई. ओके, जैसा हमने देखा कि टिकट्स बुक हो गई और 2 दिन जाने से 2 दिन पहले जो जिया है वो बीमार पड़ गई थी. डॉक्टर टोल्ड हर डेथ टेक रेस्ट, जिया फैमिली हैड कैंसल्ड देयर टिकट्स. डॉक्टर ने कहा कि है ना जिया को रेस्ट करना बहुत ज़रूरी, तो उन्होंने अपने टिकट्स कैंसिल कर दी. दोनों फ्रेंड्स हैं जो बहुत ही अपसेट हो गए. अब आप लोग कहीं जाते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हो, विद फैमिली के साथ जाते हो, तो कितने खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो कि वाह हम कितना इन्जॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, और अचानक आपको पता चले कि आपका फ्रेंड है जो बीमार पड़ गया और वो नहीं जा सकता, कैंसिल हो गया उसका जाना, तो थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ा दुख होता है ना.
तो कैंसिल हो गई उनकी टिकट ड्यू टू जिया कैंसिलेशन। रिया वॉज वेल्ट वेरी सैड, वो बहुत दुखी हो गई। जिया ने कहा मुझे एक आइडिया आया है। ओके तो रिया बोलती है अपसेट में, तो यू राइट एवरीथिंग अबाउट योर ट्रिप ऑन द डायरी टू टेक फोटोज एंड वीडियोज इन योर मोबाइल। ओके जिया ने कहा कि तुम अपसेट मत हो, मैं एक काम करती हूँ, एक डायरी लूँगी, अपने पेन लूँगी और जो मैंने वहाँ पे मस्ती करी है, जो भी कुछ वहाँ किया तो मैं उसमें लिखूँगी और मोबाइल से फोटो और वीडियोस ज़रूर बनाऊँगी। उसने ये कहा तो दैट्स अ नॉट बैड आइडिया। तो आप लोग भी कहीं घूमने करने जाते हो तो फोटोज़ करते हो, वीडियोज़ बनाते हो ताकि वो यादें हमेशा अच्छे से आपके फ़ोन में रहे और आप जब भी हैप्पी होना चाहो तो आप उन वीडियोज़ और फोटोज़ को देख सकते हो। ओके द रिया वेंट टू हर होम, शी फाउंड वन नोटबुक एंड पेन आउट ऑफ हिज बैग। रिया घर पे गई, उसने एक पेन ली, एक डायरी ली और अपने बैग में रख ली। उसने क्या कहा था कि जब तुम वापस आओगी तो हम दोनों मिलके डायरी भी रीड करेंगे, राइट डायरी पढ़ेंगे और हमारे फोटोज और वीडियोस देखेंगे। ओके ओके द नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 42। 28 मई, अब डेट कौन सी हो गई 28 मई, जिस दिन उन लोगों को जाना था। ओके नाउ रियाज डायरी स्टार्ट, यानी रिया की डायरी स्टार्ट हो गई। टुडे इज अ फुल मून डे, आफ्टर टॉकिंग अवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गंदम रेलवे स्टेशन। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, वी सॉ सम पैसेंजर्स वी आर सिटिंग इन द ट्रेन। आज फुल मून डे था, यानी आसमान में पूरा मून था। ठीक है, हमने डिनर लिया, उसके बाद में हमने ऑटो लिया और ऑटो से हम लोग कहाँ गए, गांधीधाम रेलवे स्टेशन। आप लोग कहीं जाते हो तो घर से रेलवे स्टेशन के लिए ऑटो करते हो ना। ठीक है, वी सॉ अ पैसेंजर सिटिंग इन द ट्रेन, हमने देखा कि कई लोग पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रेन में बैठे। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव एट द स्टेशन, थोड़ी देर में हमने देखा कि ट्रेन स्टेशन पे आ जाती है और जो पैसेंजर्स हैं वो ट्रेन में बैठे होते हैं। ट्रेन हैड डिपार्ट एट 7:50 PM फ्रॉम भुज। अब इसमें बताया गया है जो ट्रेन है, डिपार्ट यानी जहाँ से वो चली है और अराइव मतलब जो आ रही है। ओके तो वो भुज से चली है 7:50 PM पर, द मेन स्टेशन ऑफ कच्छ, यानी जो कच्छ का मेन स्टेशन कौन सा है, भुज। द नेम ऑफ द ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। मुझे लगता है आप लोगों को ये नाम सुना हुआ होगा, अधिकतर आप लोग इसी ट्रेन में जाते होंगे, कच्छ एक्सप्रेस में। भुज में हम रहते हैं तो ऑब्वियसली आपको भुज का स्टेशन भी पता ही होगा। तो भुज से जब ट्रेन चलती है तो कौन से स्टेशन पे जाकर रुकती है, गांधीधाम स्टेशन पे। ओके तो रिया भी यही बताती है, When we went near a coach, there was so much communication from the single door. People were getting off or other, were pushing and trying to put their luggage inside. Father felt someone pushing, so he said, train will be stopped there for 15 to 20 minutes, so don't be in a hurry. अब यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेन जब आती है तो कई लोग पैसेंजर्स जल्दी जल्दी उतरते हैं, जल्दी जल्दी चढ़ते हैं उसके ऊपर, धक्का मुक्की सब कुछ चलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लगेज के साथ वो लोग चढ़ने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, फादर फेल्ट सम पुशिंग, जब रिया के फादर चढ़ रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें पीछे से कोई धक्का दे रहा है। ओके तो वो ये बोलते हैं कि आराम से आप लोग करें, यहाँ पर ट्रेन 15 से 20 मिनट्स यानी 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर ट्रेन रुकेगी, तो इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी में हमें चोट भी लग सकती है, हम लोग आराम से जा कर के बैठ सकते हैं। वी somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage in the proper place. जैसे तैसे मैनेज करके हम लोग ट्रेन में चले और हमारी सीट की जो जहाँ भी हमारी सीट थी वहाँ पर हमने लगेज हमारा मैनेज किया। By the time the main train started, थोड़ी देर में ट्रेन स्टार्ट हो गई, मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स, मदर हैड आई गॉट विंडो सीट्स, फादर एंड रिमार्क्स गॉट अ मिडल सीट्स। सब लोग अपनी अपनी सीट्स देखने लगे, मुझे और मम्मा को जो विंडो सीट है, जो खिड़की के पास, अधिकतर बच्चे लड़ते हैं कि मम्मा मैं विंडो के पास बैठूंगा या मैं बैठूंगी। ठीक है, तो मदर अजय को विंडो सीट मिली और फादर और रिमार्क्स को मिडिल सीट। आपको पता है ना, 3 सीट्स इधर होती है और 3 सीट्स इधर होती है, जैसे हम लोग देखते हैं ट्रेन के अंदर 3 सीट ऐसे होती है और 3 सीट ऐसे होती है। तो मदर को यहाँ पे विंडो सीट मिली और फादर और हिमांश को मिडल वाली सीट। ठीक है, आमने सामने 3 सीट्स होती है ना। ओके, और इधर अपोजिट में सिर्फ 2 सीट्स होती हैं, अपर एंड लोअर। ओके अंडरस्टैंड, फादर फेल्ट वी सम एंड मैनेज, मदर एंड आई गॉट विंडो सीट्स, फादर एंड हिमांश गॉट अ मिडल सीट्स, देयर वाज अनदर फैमिली विद अस। अब वहाँ पे एक फैमिली और थी। ओके अब हम लोग जाते हैं तो नेचुरल है दूसरी फैमिली भी हमारे पास ही होगी। ठीक है ना,
तो वो देन सीम टू बोर्ड टू ट्रेन फ्रॉम द प्रीवियस स्टेशन, और हमें उनको देख के लग रहा था कि वो एक प्रीवियस स्टेशन से चढ़े होंगे, प्रीवियस यानी तो वो लोग प्रीवियस स्टेशन से चढ़े होंगे, प्रीवियस यानी जो स्टेशन पहले जा चुका होता है जहाँ से ट्रेन आती है. ओके, आफ्टर सम टाइम द टिकट कलेक्टर केम एंड चेक अवर टिकट टू सी इफ़ वी वेयर इन अवर प्रॉपर सीट. थोड़ी देर में क्या होता है, जो टिकट कलेक्टर है, टिकट कलेक्टर यानी जो टिकट्स हमारी चेक करते हैं कि कौन टिकट लेके चढ़ा है और कौन नहीं, वो ये देखता है कि हम लोग अपनी प्रॉपर सीट पर बैठे हैं या नहीं. ओके, आफ्टर वन आवर द ट्रेन स्टॉप एट वन स्टेशन, आई सॉ इट फ्रॉम द विंडो, सामंतवाली जंक्शन वॉज रिटर्न ऑन द स्टेशन. एक घंटे के बाद में हमने देखा कि एक जगह ट्रेन रुकती है और वो होता है सामाख्याली जंक्शन. इट वॉज रिटर्न ऑन द स्टेशन, जो स्टेशन के ऊपर आप देखते हो कि येलो कलर का बोर्ड लगा होता है जिसमें हिंदी, इंग्लिश और गुजराती तीन लैंग्वेज में स्टेशन के नाम लिखे होते हैं. तो उस बोर्ड पर लिखा हुआ था सामाख्याली जंक्शन. आई आस्क्ड माई फादर, मैंने मेरे फादर से पूछा व्हाई द जंक्शन वॉज रिटर्न आफ्टर द स्टेशन नेम. मैंने अपने पापा से पूछा कि जंक्शन क्यों लिखा हुआ है वहाँ पर. ठीक है, फादर एक्सप्लेन टू मी दैट द स्टेशन एट विच टू और मोर रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग टू कॉल्ड जंक्शन. फ्रॉम द स्टेशन टू रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग ऑन द ट्रैक ऑन विच अवर ट्रेन इज रनिंग द वे अहमदाबाद एंड द अदर गोज टू पालनपुर. जंक्शन कौन सा होता है, स्टेशन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स होते हैं. रेलवे ट्रैक्स जो जिस पर ट्रेन की जो पटरियाँ होती हैं, जिस पर ट्रेन चलती है, उसे बोलते हैं हम लोग रेलवे ट्रैक्स. जहाँ दो से ज़्यादा रेलवे ट्रैक्स होते हैं उसे हम जंक्शन कहते हैं. जैसे एक रेलवे लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है, देन सेकंड ऐसे जा रही है, ओके, इस तरह से जा रही है दो, फिर ये तीन हो गया ये. अगर जितनी ज़्यादा ट्रैक्स होंगे वो हमें स्टेशन को जंक्शन कहलाएगा. जैसे एक अगर आप यहाँ चली गई है, एक इस तरफ चली जाती है, एक यहाँ टर्न हो जाती है. आप लोग देखते हो जब ट्रेन चलती है तो कई बार ट्रेन एकदम से टर्न भी होती है, तो हम लोग ऐसे हमें टर्न ट्रेन दिखाई देती है. तो जहाँ पर ट्रेन अलग अलग स्टेशन पे रूट्स पे जाती है वो स्टेशन जंक्शन कहलाता है. अंडरस्टूड. ऑन द ट्रैक विच ट्रेन इज रनिंग टू अवे अहमदाबाद एंड अदर गोज टू पालनपुर, तो उसमें इसके पापा बोलते हैं एक तरफ अहमदाबाद जाती है और एक पालनपुर जाती है, तो दैट्स व्हाई द सामंतवाली जंक्शन. ट्रेन डिपार्ट आफ्टर 2-3 मिनट्स, ट्रेन वहाँ पर कितने मिनट्स रुकी, 2 या 3 मिनट रुकी. द टू ट्रैक सेपरेटेड फ्रॉम द वन अनदर एंड द फादर शोड टू हिम वन फ्रॉम द विंडो. अब दो ट्रैक हम ट्रेन से देखते हैं कि हमें दो ट्रैक, एक ट्रेन ऐसे जा रही होती है तो हमें ये वाले जो ट्रैक है वो हमें दिखाई देती है, तो उसके फादर उसको विंडो में से दिखाते हैं कि ये देखो एक ट्रैक उधर जा रही है और हमारी ट्रेन इस तरफ जा रही है. ठीक है, अंडरस्टैंड. Our train left that station. I was observing the view outside the window. It was looking like white bedsheet separate across an open plain up to far away in the full moonlight. Father said that it was a small desert of Kutch and it is looking like white bedsheet because of white layer of salt on it. अब हम लोग ट्रेन में बैठते हैं, विंडो में से हमें से बहुत सारी चीज़ें दिखती है. कई जो छोटे छोटे गांव होते हैं, छोटे छोटे जो शहर होते हैं, हमें विंडोज से दिखाई देते हैं. कई बार जंगल भी आ जाता है, वो भी हमें दिखाई देता है. तो उसको ये क्या दिखता है, वो एब्जर्व करती है विंडो में से, देखती है कि बाहर एक वाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई, क्योंकि क्या होता है फुल मून होता है यानी पूरा चांद होता है. जब फुल मून होता है तो लाइट कितनी होती है, तो वाइट रन यानी सफ़ेद रन, आप लोग जानते हो ना वाइट रन, तो वाइट नमक पीछे रहने के कारण जो फुल मून की लाइट उस पर पड़ती है तो उसे लगता है कि वाइट कलर की बेडशीट बिछी हुई है. बेडशीट यानी जो हम बेड पर चादर बिछाते हैं उसे बोलते हैं हम लोग बेडशीट. तो उसे ये लगता है कि एक वाइट कलर की पूरी बेडशीट बिछी हुई है जो पूरी वाइट दिखती है, और वो उसे इतनी सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है. तो उसके फादर बोलते हैं ये कच्छ, डेजर्ट ऑफ कच्छ है, यानी डेजर्ट यानी रेगिस्तान जिसे हम बोलते हैं, कच्छ का रेगिस्तान है. ओके, और ये व्हाइट इसलिए दिखता है क्योंकि यहाँ पर नमक बिछा हुआ होता है. ओके, दिस कैन ऑल्सो वेरी बिग हेल्प टू सॉल्ट. अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से नमक बनता है, नमक उसको फिल्टर करते हैं, उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, और अलग अलग कंपनी फिर शॉप के थ्रू और शॉप से आपके घर तक ये नमक पहुँच जाता है. द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, अब ट्रेन बहुत फास्ट हो गई. समटाइम लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन द फेम लाइट ऑफ मून. There was a light of vehicle seen on it. While we were crossing the bridge, I asked my father, which is this bridge? This is the Surajwari bridge. He replied, known as the entrance of Kutch. अब कई बार ऐसा होता है हम ट्रेन में जाते हैं तो कई बार पुल भी आते हैं, नीचे पानी होता है तो ऊपर पुल से ट्रेन हमारी
जा रही होती है, तो वो रिया पूछती है कि ये ब्रिज है, तो कई ऐसे छोटे ब्रिज होते हैं जहाँ पर मोटरसाइकिल है, स्कूटर्स हैं, छोटी फोर व्हीलर्स हैं, वो क्रॉस करती हैं ब्रिज को, और एक पुल ऐसा होता है जिस पर सिर्फ ट्रेन जाती है, जो ट्रैक बना होता है उसके ऊपर। तो वो पूछती है अपने फादर से कि ये कौन सा ब्रिज है, तो उसके फादर क्या बोलते हैं, सूरजबारी ब्रिज। क्या नाम होता है? SURAJ, सूरजबारी ब्रिज। ओके, क्या नाम है इस ब्रिज का? सूरजबारी ब्रिज। और ये क्या कहलाता है? इट रिप्लाइज नोन एज द एंट्रेंस ऑफ कच्छ, यानी जो कच्छ के एंटर होता है उसे सूरजबारी ब्रिज कहते हैं, वहां से कच्छ की एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है। ओके, He said that when the best bridge was not there, all trains to Ahmedabad used to go via Palanpur, that used to make much time. अब वो अपने पापा से पूछती है कि अगर इस पुल से अहमदाबाद जा रहे हैं, पालनपुर जा रहे हैं, तो कितना लंबा टाइम मिलता होगा। शॉर्ट टाइम में कई बार ट्रेन शॉर्टकट, जैसे कई लोग हमें जल्दी मार्केट जाना होता है तो हमें यूं घूम कर नहीं जा करके सीधा हम लोग जाते हैं, तो वो शॉर्टकट होता है, तो कई ट्रेन शॉर्ट वे में भी जाती है और कई लॉन्ग रूट पर भी जाती है। Immediately I asked my father, we had seen two separate railway tracks. अचानक मैंने मेरे पापा से कहा कि मुझे दो सेपरेट ट्रैक्स दिख रहे हैं, यानी जो दो अलग अलग ट्रेन की पटरियाँ दिख रही है। बिफोर दैट वॉज ए वे पालनपुर राइट, तो एक ट्रैक जा रहा था अहमदाबाद और दूसरा ट्रैक उसका जा रहा था पालनपुर की साइड में। ओके, फादर सेड यस, फ्रॉम दैट रूट ओनली ट्रेन वॉज गोइंग, उस पर सिर्फ पालनपुर की रूट जाने वाली ट्रेन ही जाएगी। It was 11 at night, so father told us to sleep. अब रात की 11 बज गई थी, तो हमारे फादर ने कहा सोने के लिए। Mother spread our bedsheet to our seat. मदर ने हमारी बेडशीट बिछा दी हमारी सीट्स पर। All passengers were also going to sleep. There was a toilet facility in the train. I went to toilet with my mother and then slept. सब लोग पैसेंजर्स जो हैं वो अपने अपने सीट्स पर सोने की तैयारी कर रहे थे, और यहाँ पर ट्रेन के अंदर टॉयलेट फैसिलिटीज़ भी थी, तो मैं अपनी मम्मा के साथ में टॉयलेट जाकर के और मैं आकर के सो गई। ओके, नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ इज, आई ट्राइड टू स्लीप बट आई वॉज नॉट एबल टू स्लीप ड्यू टू ट्रेन नॉइज। मैंने कोशिश बहुत करी सोने की, हम लोग कोशिश बहुत करते हैं सोने की कि हम लग ट्रेन में सो जाए, हमें नींद आ जाए, लेकिन नॉइज़ यानी जो आवाज़ें होती हैं, कोई बातें कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो उस आवाज़ की वजह से हम लोग सो नहीं पा रहे थे। देयर वॉज अनदर फैमिली नियर टू अवर सीट, हमारे पास सीट पर एक दूसरी फैमिली और थी। द गर्ल इज़ इन द फैमिली सीम्स टू बी ऑफ माई एज, जो उसकी फैमिली में जो गर्ल थी वो बिल्कुल मेरे ही एज की थी। शी वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग स्लीपिंग, और उसे भी नींद नहीं आ रही थी। वी बोथ टॉक, और हम दोनों बातें करने लग गए। हर नेम वॉज फियोना, उसका नाम क्या था? फियोना। शी हैड सम स्टोरी बुक्स, आई ऑल्सो टुक वन फ्रॉम हर, वो कुछ स्टोरी बुक्स लेके आई थी। अब कई लोग होते हैं कि ट्रेन में अपने टाइम पास के लिए स्टोरी बुक्स ले जाते हैं, अब आजकल तो मोबाइल्स यूज़ हो गए, तो सब लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसका वीडियोस देखते हैं या सॉन्ग्स सुनते हैं, तो वो स्टोरी बुक्स लाई थी। तो जाने एक स्टोरी बुक्स उससे ली और उसको रीड करने लगी, एंड स्टार्टेड रीडिंग। वाइल रीडिंग द बुक आई स्लेप्ट, अब जब स्टोरी बुक पढ़ी तो उसने स्टोरी बुक पढ़ने के बाद में वो सो गई। सडनली आई वोक अप, अचानक मैं उठी। आई सॉ अ लाइट वॉज कमिंग फ्रॉम द विंडो, मैंने देखा कि एक लाइट है जो ट्रेन की विंडो से आ रही है। अब कहीं से लाइट आएगी तो विंडो में से दिखाई देगी ना हमें। आई सेट एंड पीप्ड आउट द विंडो, मैं उठी बैठी और मैंने विंडो में से देखा। सीन टू बिग सिटी हैड कम, मुझे लग रहा था कि कोई बड़ी सिटी आ रही है। ओके, द सिटी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल अराउंड बिकॉज ऑफ लाइटनिंग, जो सिटी है वो बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही थी लाइटों की वजह से। आई हैव नेवर सीन सच काइंड ऑफ ब्यूटीफुल सीन इन गांधीधाम, मैंने ऐसा सीन गांधीधाम में कभी नहीं देखा था। द ट्रेन वॉज पासिंग अंडर द ब्रिज ओवर समवेयर द रेलवे क्रॉसिंग वेयर ऑल अराउंड द टॉल बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर वॉज क्वाइट। आई टुक माई मदर्स मोबाइल टू टेक फोटोज एंड वीडियोज टू दोज ब्यूटीफुल सीन विच विल बी इंजॉय वॉचिंग लेटर, मैं तुरंत ही मैंने अपनी मम्मा का मोबाइल लिया और मैंने उनकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ निकाली, क्योंकि मुझे वो फोटोज़ और वीडियोज़ जो देखा मैंने लाइटनिंग इतनी सुंदर लग रही थी, तो मैंने उसके पिक्चर्स ले लिए। अवर ट्रेन रीच एट द वन बिग स्टेशन, हमारी जो ट्रेन है एक बड़े से स्टेशन पे आकर रुकी। फादर ऑल्सो वोक अप, और मेरे फादर भी उठ चुके थे। ही टोल्ड टू दैट अहमदाबाद केम, अब उनने फादर ने कहा कौन सा स्टेशन आ गया? अहमदाबाद स्टेशन आ गया। तो अहमदाबाद स्टेशन तो आप लोग जानते हो बहुत बड़ा स्टेशन है। द एटमोसफियर फील्ड अप वेयर नॉइजेस ऑफ डिफरेंट हॉकर्स सम आर द वर्ड्स वेयर, अब वहाँ पर बहुत सारे हॉकर्स यानी जो हेल्पर्स होते हैं और कुछ चीज़ें बेचने वाले होते हैं, कुछ पुलिस वगैरह होते हैं, वो सब होते हैं, तो बहुत सारी आवाज़ें हो रही थी।
जैसे कैंटीन्स जो होती हैं, तो कैंटीन्स में जो काम करने वाले होते हैं तो वो लोग सब लोग बहुत जैसे बोलते हैं चाय गर्म गर्मा गर्म भजिया पूरी साहब कोल्ड ड्रिंक वाटर्स, आपने सुनी होगी, ये आपके लिए कुछ नई चीज़ नहीं है। आप लोग चिल्लाते होंगे, वो लोग सुनते होंगे चाय गर्म, फिर आप लोग अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं मुझे ठंडा चाहिए, मुझे कुल्फी चाहिए, मुझे चाय चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए। ओके, बनाना वड़ा पाव चीकू एप्पल फ्रूट्स वाले भी होते हैं वहाँ पे। फादर सेड द ट्रेन विल बी एट स्टेशन ऑन द 20 to 25 मिनट्स। फादर ने कहा कि यहाँ पे 20 से 25 मिनट्स ट्रेन स्टे करेगी, यानी रुकेगी। फादर गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन टू फिल वाटर बॉटल, उसके फादर हैं जो ट्रेन से उतरे और उन्होंने वाटर बॉटल भरी अपने पानी की। ऑल्सो वेंट इन देम, तो वो वहाँ पे उसके साथ में गए। द प्लेटफॉर्म वॉज क्राउडेड, प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा क्राउड यानी बहुत सारे लोग थे, बहुत रश था। पैसेंजर्स वे आर बाइंग फ्रॉम द हॉकर्स, देवर पैसेंजर्स जो हैं कैंटीन से चीज़ें वगैरह खरीद रहे थे। देवर मेनी अदर ट्रेन ऑफ द प्लेटफॉर्म, अब प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी ट्रेनें थी क्योंकि अहमदाबाद भी एक जंक्शन है, वहाँ से भी ट्रेनें अलग अलग ट्रैक्स के थ्रू अलग अलग रूट्स पर जाती हैं। ओके, देयर वेयर पीपल वेर लेट यूनिफॉर्म कैरिंग लोड एंड रनिंग राउंड, देयर वॉज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू ऑन अ माइक। अब कई बार आप सुनते हो स्टेशन पे, आप स्टे करते हो, रुकते हो, अपने वेट करते हो ट्रेन का, तो थोड़ी थोड़ी देर में एक अनाउंसमेंट होता रहता है कि इस नंबर की ट्रेन इस स्टेशन से इस स्टेशन पर इतनी बजे आ जाएगी या इतनी देरी से चल रही है, और ये सब माइक पर अनाउंसमेंट चल रहा था। सम पैसेंजर्स वेर वेटिंग फॉर द ट्रेन, कुछ पैसेंजर्स हैं जो अपनी दूसरी ट्रेन की वेट कर रहे थे। इट वॉज इंजॉइंग टू सीन, वो बहुत इंजॉय कर रहे थे इस सीन को देख करके। वे टुक बनाना एंड चीकू फ्रॉम हॉकर्स एंड गॉट इन टू द ट्रेन, हमने जो हॉकर से जो बेचने वाला था उससे बनानास और चीकू लिए और हम अपनी ट्रेन में आकर के वापस बैठ गए। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, अब ट्रेन स्टार्ट हो गई। एट बनानास चीकूज आई वेंट द टॉयलेट टू नाउ व्हाट द फीलिंग स्लीपी, मैंने चीकूज बनाना गए उसके बाद मैं टॉयलेट गई और मैंने फीलिंग स्लीपी, मुझे नींद आने लगी। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नैक्स एंड लेडर्स गेम, मैं अपने साथ स्नैक्स एंड लेडर्स सांप सीढ़ी आपको पता है ना खेलते हो आप लोग घर पे, तो वो अपने साथ वो गेम लेकर के गई थी। आई वॉज हैविंग बोर्ड ऑफ स्नैक्स एंड लेडर्स गेम हिमाक्ष फियोना एंड आई प्लेड स्नैक्स एंड लेडर्स इन द मीन टाइम द ट्रेन अराइव्ड इन द नडियाद वेयर फियोना हैड गेट डाउन, फियोना सेड बाय टू अस एंड देन हिमाक्ष वेंट टू द स्लीप। अब उन लोगों ने फियोना हिमाक्ष और उसने रिया ने गेम खेला स्नैक्स एंड लेडर्स थोड़े टाइम के लिए। फिर एक स्टेशन आता है नडियाद जहाँ पर फियोना उतर गई और फियोना ने उनको बाय करा और उसका जो भाई है वो गेम खेलने के बाद में सो गया। ओके, तो ये था चैप्टर, इसमें आपको एक समरी बताती हूँ मैं एक बार। वो जो रिया होती है पूरे स्टेशन की जो समरी होती है वो बताती है कि जहाँ से वो गांधीधाम से चली वहाँ से लेकर के आगे नडियाद तक उसने क्या देखा, उसने क्या खाया, अपने पेरेंट्स के साथ में उसने क्या किया, ट्रेन के अंदर उसने क्या क्या किया, क्या क्या विंडो में से बाहर देखे, ये पूरी समरी है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। सो लिसन केयरफुली एंड थैंक यू सो मच।